हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस का सेकेंड पार्ट। प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट जो कि डिपेंड था किस पे, टेंसेस पर। ठीक है, टेंसेस से रिलेटेड जितने भी पैसिव वॉइस के रूल्स थे हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो पैसिव वॉइस से ही रिलेटेड होगा, जो कि होगा हमारा सेकेंड पार्ट, वो होगा डिपेंड ऑन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होते हैं और इसका यूज कैसे करना है इन पैसिव वॉइस, आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में बने रहो अंत तक और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर इंग्लिश ग्रामर, सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब देखो फ्रेंड्स, देखो एक बात ये जान लो यहां पर कि जितने भी हमने बताया था टेंसेज होते हैं, टेंसेज ठीक है, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव वॉइस में होते हैं, वो टोटल क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस। और इसके अलावा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, मॉडल वर्ब यूज होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब टू के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सभी सेंटेंसेस भी एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो वे सभी हमने बताया था जो सिंपल या असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपली यूज हम करते हैं इन इंग्लिश एंड स्पोकन में, वो सब क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव वॉइस फॉर्म में होते हैं। अब उसको हम उसी बात को दूसरे तरीके से कहना हो जो कि होता है पैसिव वॉइस फॉर्म, तो इसका यूज कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्या रूल है, इसका यूज कैसे करना है, वही अब सीखेंगे, जो कि रिलेटेड होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैसे हो सकते हैं, जैसे कैन, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है। देखो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ठीक है, आर्ट टू होता है, ये सब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब ये सब क्या होते हैं, सिंगल जब सेंटेंसेस में आते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कैन के बी लगा देते हैं, ध्यान देना सबके साथ हमको क्या यूज करना है, बी को यूज करना है, किसको, ओनली बी। देखो कैन बी पैसिव वॉइस में बनाना है तो कैन बी, इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान देना है कि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने ऑलरेडी बताया प्रीवियस वीडियो में कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी कैन बी हो गया। अब इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कैन। कुड के साथ क्या यूज करेंगे, कुड बी हो सकता है, मे के साथ मे बी होगा, माइट के साथ माइट बी यूज करेंगे इन पैसिव पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। मस्ट को कन्वर्ट करना हो पैसिव में तो क्या यूज करेंगे, मस्ट बी यूज करेंगे। शुड को यूज करना, शुड बी यूज करेंगे, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, सबके साथ बी यूज करना है जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं। वुड के साथ वुड बी यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। अब देखो यहां पर जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिसके साथ हम टू का यूज करके करते हैं, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, ठीक है, इसका यूज वाज टू, वर टू, ठीक है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो कि यूज किया जाता है स्पेशली इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। यदि इससे रिलेटेड है, यदि आप इनका यूजेस नहीं जानते या नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर इनके यूजेस देख सकते हो, वीडियोस पड़े हैं, ठीक है, आप वहां के जाकर इससे रिलेटेड क्या कैसे यूज करते हैं, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इसका यूज क्या होता है, कैसे करते हैं यूज, इससे रिलेटेड सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर वहां से चीजों को सीख सकते हैं। अब देखो ये सब जो टेंसेस में यूज किए जाते हैं इन ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश ग्रामर, तो इसको ये पैसिव में करना है तो क्या करते हैं, इज टू के साथ इज टू बी, हमने बताया बी यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो इज टू को इज टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, एम टू के लिए एम टू बी, आर टू के लिए आर टू बी यूज कर लेंगे, वाज टू के लिए वाज टू बी, वर टू के लिए वर टू बी, हैज टू के लिए हैज टू बी, हैव टू के लिए हैव टू बी, इसी तरीके से हैड टू के लिए हैड टू बी यूज कर लेंगे, will have to के साथ will have to be, shall have to के साथ shall have to be, ठीक है friends, देख रहे हो ना कितना easy है, बस आपको क्या use करना है, model verb हो या auxiliary verb हो इसके साथ आपको be लगाना है और verb का third form use कर लेना है during converting for passive voice, ठीक है। अब देखो इससे related कुछ examples लेते हैं हम, जिससे कि हमको और अच्छे समझ में आ जाए चीजें। अब देखो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है, पहला जो रूल है, क्या कह रहा है, देखो पहले देखो ये सब एक्टिव वॉइस में है, सी माइट, कैन, मे, मस्ट, कुड, आर टू, कैन, शुड, देख रहे हो ना, सब सिंगल यूज
किए गए हैं सेंटेंसेस में जो कि एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। अब हम इन सब एग्जांपल्स को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। अब देखो ये सब मॉडल वर्ब है, अब मॉडल वर्ब को कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में हमने रूल क्या बताया, इनके साथ बी लगा दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस एक ही रूल अप्लाई करो, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बी लगाना है हमको और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेना। और देखो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है भाई, होता है कि हमको ये जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और इसका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस का रूल होता है, बस यही रूल है। अब इसी रूल पे हम अपने देखो ये स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, फिर बाय, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लेंगे, मीन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को करते हैं। देखो ये सब मॉडल वर्ब है, ठीक है, जैसे सब में बी यूज करना है आपको, क्या यूज करना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो सी माइट लिफ्ट दिस बॉक्स, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस बॉक्स माइट, अब माइट के साथ क्या यूज करेंगे, माइट बी, दिस बॉक्स माइट बी, माइट बी, अब नॉट होता तो यहाँ नॉट लगा दे, माइट नॉट बी हो जाता, नेगेटिव नहीं तो कोई बात नहीं छोड़ दो, दिस बॉक्स माइट बी, अब थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, लिफ्ट का लिफ्टेड, दिस बॉक्स माइट बी लिफ्टेड बाई, अब सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनाए, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, सी माइट लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकती थी, ठीक है, एक्टिव में हिंदी हो गया, अब लेकिन पैसिव में हिंदी क्या, दिस बॉक्स माइट बी लिफ्टेड, यह बॉक्स उठाया जा सकता था, मैंने बताया था जाना का सेंस आता है, ठीक है, जाना किया जा सकता है, ठीक है, यह बॉक्स उठाया जा सकता था भाई हर उसके द्वारा, ठीक है, उसके जरिए उठाया जा सकता था बॉक्स, ये होता है पैसिव में हिंदी वर्जन। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास, रामा कैन स्पीक उर्दू, उर्दू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो उर्दू कैन, अब कहना इसके साथ बी यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैन बी स्पीक, इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, कैन बी स्पोकन बाय रामा, सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे बाय लगा के, ठीक है, देख रहे हो ना कितना इजी है, कैन के साथ हमने क्या यूज किया, बी, नॉट होता तो कैन नॉट बी यूज कर लेते, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, वी मे फाइंड हिम, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या यूज करेंगे, ही मे बी, ही मे बी फाइंड, थर्ड फॉर्म इसका फाउंड हो जाएगा हमारा, ही मे बी फाउंड बाई अ वी, सब्जेक्ट है यहाँ, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे अस, ठीक है, बाई अस हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, दे मस्ट हेल्प द पुअर, अब द पुअर ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द पुअर, अब मस्ट इसके साथ क्या यूज करेंगे, मस्ट बी यूज कर लेंगे, मस्ट बी हेल्प्ड, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, नॉट आएगा फ्रेंड्स तो बी के पहले बस नॉट लगाना आपको, ठीक है, हेल्प्ड, हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। नेक्स्ट, नोबडी कुड कैच द थीफ, अब द थीफ ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना लेंगे हम, द थीफ कुड, अब कुड के साथ क्या यूज कर सकते हैं, कुड बी कॉच, कुड बी कॉट, थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए नोबडी आ गया, मैंने बताया था इसके साथ बाई लगा के इसके साथ आगे नहीं लिखेंगे नोबडी, ठीक है, नोबडी, नो वन, ठीक है, समवन, अब लेकिन बट यहाँ पे ध्यान देना, नोबडी यहाँ नेगेटिव वर्ड है जिसके साथ यहाँ पे कुड नॉट यूज करना पड़ेगा, जब नोबडी को यहाँ से हटा रहे हो तो ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पे हमको एड करना पड़ेगा जिससे कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव ही रहे, ठीक है, तो द थीफ कुड नॉट बी कॉट। नेक्स्ट, सोहन आर टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अब हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, हिज पेरेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय सोहन, ठीक है। नेक्स्ट, Anybody can solve this sum. This sum हमारा subject हो जाएगा. Can be solved by anyone है. Anybody use नहीं करेंगे anybody. बस हो गया.
ठीक है, यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर डेली। हॉट वाटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हॉट वाटर शुड बी, शुड है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, शुड बी ड्रंक, ड्रंक वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, शुड बी ड्रंक डेली बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, देख रहे हो ना, सभी मॉडल वर्ब में हमने क्या यूज किया, बी, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको। स्ट्रक्चर को फॉलो करो, सेंटेंसेस हमारे जो है पैसिव वॉइस बनते चले जाएंगे एक्टिव वॉइस के सभी मॉडल वर्ब्स। बहुत ईजी है, बस आप एक ही रूल अप्लाई करो, बस समझ लो अच्छे से, बस उसी के रूल को अप्लाई करो, आसानी से बनते चले जाएंगे। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स आप सॉल्व करो अपने टेक्स्ट बुक से और भी अच्छे परफेक्ट होते चले जाओगे। नेक्स्ट हमारा जो है स्ट्रक्चर आज का सेकंड रूल क्या है, देखो बहुत से सेंटेंसेस में आपको मॉडल वर्ब्स के साथ आपको हैव बीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हैव मॉडल वर्ब के साथ आपको हैव देखने को मिलते हैं, पैसिव वॉइस में बीन लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखो, वी शुड हैव वॉच्ड योर फील्ड, इसकी हिंदी क्या होगी, वी शुड हैव, हमें देखना चाहिए था, वी शुड हैव वॉच्ड, हमको देखना चाहिए था आपका फील्ड, आपके खेत या मैदान को देखना चाहिए था। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, इसके साथ शुड हैव ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हम बीन लगा देंगे, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बीन लगाना है, ध्यान देना कैसे करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर फील्ड्स, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, योर फील्ड्स शुड हैव है तो बीन लगा देंगे, शुड हैव बीन, ठीक है, योर फील्ड्स शुड हैव बीन वॉच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाई, अब किसके द्वारा, बाई वी, अब इसका ऑब्जेक्ट अस, बाई अस, ठीक है, मस्ट हैव, अवश्य पकाना चाहिए था, उसे अवश्य पकाना चाहिए था भोजन, द फूड मस्ट हैव बीन कुक्ड बाई सी, सी सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, बाई हर, क्या हो जाएगा, इस पैसिव का हिंदी, भोजन को अवश्य पकाना चाहिए था, उसके द्वारा पकाया जाना चाहिए था, कैसे होगा, भोजन को अवश्य पकाया जाना चाहिए था उसके द्वारा या उसके जरिए। ठीक है, तो पैसिव में इस तरीके से हिंदी वर्जन होता है। थर्ड है हमारा एग्जांपल इसका, रोहन विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, योर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रोहन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखो नेक्स्ट, यू कुड नॉट हैव डन दिस वर्क, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो दिस वर्क कुड हैव है तो बीन लगा देंगे, कुड नॉट हैव बीन डन बाई किसके द्वारा, बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। नेक्स्ट, आई माइट हैव, देखिए अब माइट हैव आ गया, दी पर्स हमारा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, दी पर्स माइट हैव बीन, अब बीन यूज कर लेंगे, माइट हैव बीन फाउंड, अब वर्ब का था फॉर्म फाउंड बाई किसके द्वारा, बाई आई का ऑब्जेक्ट क्या यूज हो जाएगा, बाई मी। ठीक है, आपने देखा कि जब आपको मॉडल वर्ब के साथ साथ हैव वाले आए, इसके साथ पैसिव में इसको कन्वर्ट करना हो इस प्रकार के सेंटेंसेस को, इसके साथ बीन यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आपको रूल ये फॉलो ही करना है। अब देखो नेक्स्ट, अब थर्ड हमारा आज का रूल है, स्ट्रक्चर कर रहा है पैसिव, देखो पैसिव ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, अब देखो इज एम आर वर हैज हैव हैड टू बी, देखो जब इज टू एम टू आर टू हैज टू हैव टू हैड टू विल हैव टू शैल हैव टू आए, तो इसको पैसिव में कैसे करना है, मैंने बताया इज टू बी एम टू बी, टू के बाद बी लगा दो, हैज टू बी हैव टू बी। ठीक है, चलो करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ही इज टू डू दिस वर्क, मतलब इसकी हिंदी क्या होगी, ही इज टू डू
मतलब ही इज टू डू दिस वर्क, उसे यह कार्य करना है या करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस वर्क हो गया, इसको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव में करने के लिए। तो दिस वर्क इज टू बी, इज टू बी वर्क का थर्ड फॉर्म, डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, इज टू बी डन हो जाएगा हमारा। बाई किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। नेक्स्ट आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग हो जाएगा हमारा, अ सॉन्ग इज। अब देखो इसके अनुसार ये आएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इज टू बी, यानी कि यहाँ एम लगाए तो यहाँ भी एम लगा दो, ऐसी मिस्टेक मत करना भाई, ठीक है। अ सॉन्ग इज टू बी सिंग, सॉन्ग हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉन्ग बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर टू हेल्प द पुअर, द पुअर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे। द पुअर इज टू बी, इज टू बी हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई वी, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। नेक्स्ट ही हैज टू डू इट, इट को यहाँ देखो, इट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इट इज टू बी, इट के साथ इज टू लगाएंगे, ठीक है। इट इज टू बी डन, सॉरी यहाँ पे हैज है ना भाई, इसमें देखो हैज टू है, तो इट के साथ हैज टू, इट हैज टू बी डन, डन बाई ही, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव टू वियर दिस न्यू ड्रेस, तो दिस न्यू ड्रेस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस न्यू ड्रेस, दिस न्यू ड्रेस ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हैज टू लगाएंगे, ठीक है। हैज टू बी, हैज टू बी, अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि जब हैज टू यहां पे ये जो आया है, हैज टू, हैज टू और हैव टू, ये सब्जेक्ट जैसे हमारे होंगे, देखो सब्जेक्ट जैसे हमारे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे यहां देखो इट के साथ हैज टू आया, अब यहां पे देखो हैव टू आया, यू है इसीलिए हैव टू आया। अब यहां पे दिस न्यू ड्रेस एक है और जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जा रहा है, इसलिए यहां पे हैव नहीं आया, हैज टू आएगा, ठीक है, हैव टू हो जाएगा। अब देखो अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का अब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखो अब वियर, वियर का थर्ड फॉर्म ऑर्न, ऑर्न मींस पहनना, हैज टू बी ऑर्न बाई, अब बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ठीक है, बाई यू। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी, अब देखो अ लॉट ऑफ मनी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा, अ लॉट ऑफ मनी मतलब पर्याप्त मनी, अ लॉट ऑफ मनी हैड टू बी, हैड टू बी पेड मतलब पेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, पेड बाई दे, दे का ऑब्जेक्ट देम, बाई देम। नेक्स्ट श्याम विल हैव टू क्लियर दी हिज ड्यूज, मतलब अपना ड्यूज, हीज जो ड्यूज है बकाया है उसका, ठीक है। विल हैव टू बी, विल हैव टू बी, ठीक है, क्लियर्ड, क्लियर्ड करना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर्ड बाई श्याम, श्याम के द्वारा, ठीक है। देख रहे हो ना जितने भी अगली वर्ब है सबके साथ टू बी यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, देखो मैंने अभी बताया मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स
से रिलेटेड जो ये रूल थे इसको मैंने अभी बताया आपको कैसे पैसिव वॉइस में इनको कन्वर्ट करना है। अब देखो कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखो पहला रूल है ये सब, अब यहाँ से हम जितने भी पॉइंट्स देखेंगे सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं स्पेशली फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। स्कूल में भी आते हैं, एकेडमी में भी आते हैं, बट कम्पिटेटिव में मैक्सिमम पूछे जाते हैं ये सब। देखो सेंटेंस में पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में समवन समबॉडी, अभी देखो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी इस वीडियो में भी कि जब आपको सब्जेक्ट क्या देखने को मिले, समवन समबॉडी नोबॉडी पीपल नो वन पुलिस पब्लिक देम, ठीक है अस, ये सब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ एक्टिव वॉइस में देखने को मिले। देखो यहाँ पे समवन, ठीक है, दी पुलिस या पीपल, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिले तो आपको बाई लगाकर इनको लिखने की जरूरत नहीं है यार, नहीं पड़ती है, इनको लिखना ही नहीं है बाई लगा के, ठीक है। यदि है ना आद का प्रयोग नहीं होता है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज नहीं होता है तो कैसे करेंगे, देखो समवन हैज ओपन द डोर, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो द डोर हैज, एक किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज बीन, हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, हैज बीन ओपेंड। अब देखो बाई लगाते हैं फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ इसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे ही, बस ये एंड हो गया हमारा, तो द डोर हैज बीन ओपेंड हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, देखो द पुलिस अरेस्टेड द थीप्स, तो क्या हो जाएगा, द थीप्स वॉज, प्रेजेंट इमिटेंस में तो सॉरी थीप्स है बहुत से हैं तो वर हो जाएगा, ठीक है, थीप्स वर अरेस्टेड, अरेस्टेड, अब बाय दी पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अरेस्ट किसके द्वारा करें किए जाएंगे, क्योंकि अरेस्टेड ही बता रहा है कि अरेस्टेड ही पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, इसको बाय पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब नेक्स्ट पीपल प्रेज हिम, अब हिम ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना है तो ही प्रे, पीपल प्रेज प्रेजेंट इंटेंस में है तो ही इज प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा की जाती है, अप्रेज किया जाएगा किसी के द्वारा या लोगों के द्वारा प्रशंसा किया जाएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट बता रहा है परफेक्ट बता रहे, प्रशंसा तो किया जाए किसी पर्सन के द्वारा, किसी गैदरिंग के द्वारा, किसी पीपल के द्वारा, इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो आप देख लो अच्छे से कि जब आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में समवन समबॉडी नोबॉडी पीपल नो वन पुलिस पब्लिक देम अस, ये सब आपको सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिले तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इनको बाई लगाकर यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको लिखना ही नहीं, ठीक है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट रूल ऑफ पैसिव वॉइस। अब देखो सेकेंड हमारा क्या है इंपॉर्टेंट रूल है, देखो इसको समझो अच्छे से, देखो ये कह रहा है कि डबल ऑब्जेक्ट, प्रीवियस वीडियो में भी हमारे सेंटेंसेस में कुछ डबल ऑब्जेक्ट आए थे, ठीक है सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेशली इसको इसलिए लिया कि आप अच्छे से समझ पाओ चीजों को। देखो जैसे सेंटेंस में आपको मैंने बताया था एक्टिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना, लेकिन जानते हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में आपको दो एक से अधिक ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, एक से अधिक, जैसे ए वाला एग्जाम्पल देखो, ही गेव मी, हमने बताया था देखो ऑब्जेक्ट हमारे जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो लिविंग थिंग होते हैं जिसमें सजीव वाली चीज भावना हो, ठीक है, लिविंग, जैसे मी माने मुझे, कोई व्यक्ति हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे वस्तुएं, वो प्रीवियस रिंग, रिंग क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में दोनों ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, ठीक है, तो कैसे पैसिव वॉइस बनाना है, तो वही है ये रूल स्पेशल, इसको समझना भी जरूरी है कि कैसे आप, कंफ्यूजन नहीं है कैसे आप बनाओगे पैसिव वॉइस में जब डबल ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंसेस में देखने को मिले। देखो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और प्रीवियस रिंग, एक कीमती जो अंगूठी है वो भी ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट लोगे, ठीक है फ्रेंड्स, यही आपको समझना है यहाँ पे। तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी ले लो,
आप फ्री हो, कोई डाउट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है, आप फ्री हो चूज करने के लिए, या तो इसको चूज कर लो, इसको सब्जेक्ट बना लो, या तो इसको बना लो। चलो मैं दोनों तरीके से बना के दिखाता हूँ। चलो पहले मैं मी को लेता हूँ, तो मी का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया, मी का सब्जेक्ट क्या हो, आई। अब ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो आई वॉज, ठीक है, पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वॉज गिवेन, आई वॉज गिवेन। अब देखो क्या दिया गया, अ प्रीवियस रिंग, आई वॉज गिवेन अ प्रीसियस, प्रीवियस बोल रहे हैं भाई, प्रीसियस है, ठीक है, प्रीसियस रिंग, कीमती रिंग। अब किसके द्वारा, बाय ही का सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, यदि अप्रीसियस रिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको यूज करना है सब्जेक्ट रूप में, तो कैसे करेंगे, तो अप्रीसियस, अप्रीसियस रिंग वाज, पास्ट टेंस में तो वाज लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन, गिवेन। अब देखो किसको दिया गया, मी, अ गिवेन मी, अ गिवेन मी, ठीक है, मी, अब फिर बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही का हिम हो जाएगा, देख रहे हो। जब इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिले एक्टिव वॉइस में, एक से अधिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप दोनों तरीके से करोगे, दोनों सेंटेंस या पैसिव वॉइस हमारे करेक्ट हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल तरीके से दोनों करेक्ट हैं, कोई डाउट नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल है, इसको भी मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट देखने को, दी गर्ल डिड नॉट आस्क, लड़की ने कुछ नहीं पूछा मुझसे, अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। आप मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, अ क्वेश्चन को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। पहले मी को बनाते हैं, तो मी के लिए आई, डिड नॉट किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज नॉट, नेगेटिव तो नॉट लगा देंगे, तो आई वॉज नॉट आस्क्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आस्क्ड, अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन, आई वॉज नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन बाई दी गर्ल, बाई दी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाई दी गर्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि अ क्वेश्चन को आपको सब्जेक्ट बनाना हो कैसे करेंगे, अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन वॉज नॉट, वॉज नॉट आस्क्ड, वॉज नॉट आस्क्ड मी, यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेम टू सेम रखना पड़ेगा, अ क्वेश्चन वॉज नॉट आस्क्ड मी बाई दी गर्ल, ठीक है फ्रेंड्स। आप दोनों तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हो जब आपको एक से अधिक ऑब्जेक्ट देखने को मिले एक्टिव वॉइस में। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट रूल है, देखो कह रहा है कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वर्ब वाले, ठीक है, प्रीपोजिशन वर्बियल फ्रेज होते हैं जिनके साथ, जैसे देखो लुक इन टू, लुक इन टू, रन अवे, टेक ओवर, सी ऑफ, गिव अप, ये प्रीपोजिशन को भी साथ में रखना पड़ेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। देख रहे हो आपके पास इतने भी हैं, ठीक है, आप देख लेना वन बाय वन करके, इनको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनको भी प्रीपोजिशन को हमको पैसिव वॉइस में रखना पड़ेगा। जैसे अब एग्जांपल सॉल्व करो, जैसे ही लॉब्ड एट, उसने हंसा दी पुअर बेगर, ठीक है, मतलब गरीब, मतलब भिखारी पर उसने हंसा, तो कैसे बनाएंगे, तो दी पुअर बेगर हो जाएगा, दी पुअर बेगर, पास्ट सेंटेंस में है, वॉज लॉब्ड एट, लॉब्ड। अब देखो इसके साथ क्या यूज करेंगे, एट, हमारा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, फिर बाई लगाएंगे आप, ठीक है, लॉब्ड एट यहां पर दिया है, यहां पर दिया है लॉब्ड एट बाई। अब ही का ही सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाई हिम हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ऐसे हम इसको बना लेंगे। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का आपको लिखना है, नहीं कि स्किप कर देना है। ये सब क्या कहे जाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज के फॉर्म में यूज होते हैं इन पैसिव वॉइस। इन सभी एग्जांपल मैंने यहाँ वन बाय वन करके दिए, आप पढ़ लें। अब देखो सेकंड एग्जांपल हमारा, योर ब्रदर वाज सर्चिंग फॉर, अब देखो सर्चिंग अब वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आ गया, तो आपको पैसिव वॉइस में फॉर लिखना है। योर ब्रदर वाज सर्चिंग फॉर हिज सिस्टर,
तो ही सिस्टर, हम ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, ही सिस्टर वाज सर्चिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते थे, तो ही सिस्टर वाज, ठीक है, क्या है, योर ब्रदर वाज सर्चिंग फॉर हिज सिस्टर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाज बीइंग सर्च्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर्च्ड फॉर हो जाएगा, सर्च्ड फॉर, अब देखो लगाएंगे फिर तब बाई लगाएंगे, बाई योर ब्रदर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाई योर ब्रदर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अब चीजों को आप आसानी से समझ पा रहे हो, अब इसको देख लेना ध्यान से वन बाय वन करके, एम एट, ठीक है, सेटिस्फाई के साथ विथ आएगा, प्लीज्ड के साथ विथ आता है, ठीक है, नोन के साथ टू आता है, ये सब आएंगे ही, ये सब जो होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं इनके साथ ये सब प्रीपोजिशन, ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आने ही है, ठीक है। अब देखो अब कैसे करेंगे इसको, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है, पैसिव वॉइस में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद बाई के अलावा विथ, टू, ऑन, एट, इट आता है, बाई नहीं लास्ट में, अब देखो अभी पैसिव वॉइस में क्या देखते हैं, बाई लगाते हैं लास्ट में, बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रियाएं होते हैं जहां पे हमको बाई नहीं लगाना, इनके साथ ये जो प्रीपोजिशन आ रहा है विथ आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, इट आएगा, तो इसका यूज करना है, जैसे लिसन के साथ क्या यूज करना है, टू, इनवाइटेड के साथ टू, एमएच के साथ एड, प्लीज के साथ विथ, नोन के साथ टू, ठीक है, जैसे प्रीवियस मैंने बताया रूल ऐसे ये भी है, जैसे देखो माई फादर नोज हिम, अब हिम को सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, अब ये प्रेजेंट इंटेंस में है तो ही इज, अब वर्ब का नोज का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, ही इज नोन टू, अब नोन के साथ आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, बाई नहीं लगाना है, देखो यहाँ कहाँ है हमारा, देखो यहाँ पे नोन के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है, तो ही इज नोन टू माई फादर, अब बाई बाई माई फादर लगाते थे लेकिन नहीं, बाई नहीं लगाना, अब टू माई फादर, ही इज नोन टू माई फादर लगाना सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, यू सेटिस्फाई मी, अब मी हम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, पास्ट टेंस में है तो वाज लगाएंगे, आई वाज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, आई वाज सेटिस्फाइड, अब इसके सेटिस्फाइड के साथ बाई नहीं लगाएंगे, क्या आएगा, सेटिस्फाइड, सर्च करो कहाँ है, यहाँ देखो यहाँ पे सेटिस्फाइड के साथ विथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विथ, आई वाज सेटिस्फाइड विथ, अब यू, ठीक है, यू हो जाएगा, सेटिस्फाइड विथ यू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ बाई ना यूज करके प्रीपोजिशन इज होते हैं, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, इनके साथ यही यूज होगा इन पैसिव वॉइस में भी, ठीक है। तो ये कुछ आज के हमारे जो वीडियो थे इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या देखा, मॉडल्स वर्ब्स कैसे यूज करने हैं पैसिव वॉइस में, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे पैसिव वॉइस में कैसे यूज, ये सब स्पेशली आज का जो वीडियो था ये स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे इस प्रकार के सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस को लेकर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक लिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।